नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज यूयो बायो। आज के बायोलॉजी क्लास में हम कॉकरोच के दिल और दिमाग का हाल समझेंगे, यानी कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम और कॉकरोच का नर्वस सिस्टम ड्रॉ करेंगे। पिछले कई सारे लेक्चर्स में हमने कॉकरोच के और भी बहुत सारे डायग्राम बनाए हैं। ये सिस्टम से रिलेटेड जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपको इमेजिन करना कि कॉकरोच यूं खड़ा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, आप साइड में खड़े होके उसको दो पार्ट में कट कर दिए, खड़ा खड़ा कट कर दिए। काटने से पहले परमिशन लेने का, क्यों परमिशन लेने का, बिकॉज बायो स्टूडेंट्स आर मैनर्ड स्टूडेंट्स। जब काट लोगे ना तो दो पार्ट में खुल जाएगा, आगे का हिस्सा हटा के फिर अंदरूनी तौर पे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा दिखता है, अंदरूनी तौर पे उसका पूरा का पूरा नर्व कॉर्ड, जैसे अपने पास स्पाइनल कॉर्ड है ना तो उसका नर्व कॉर्ड कैसा दिखता है, अंदरूनी तौर पे उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे दिखते हैं ना, ये पीछे का आधा कटा हुआ हिस्सा हमको यूजुअली डायग्राम में दिखाया जाता है। ये ओरिएंटेशन हमको पता होना चाहिए। अब कैसे ना, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, ओके, बट तुम चाहे तो वीडियो को बीच में पॉज करके मेरे साथ ही ड्रॉ करो। सो फटाफट अपना रफ नोटबुक, कलर्ड पेंस और पेंसिल निकालो और बहुत कमाल का डायग्राम बनाना है। जैसे हर बार तेरा मेरा एक चैलेंज रहता है कि हम टेक्स्ट बुक से भी अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ओके? डायग्राम में जान डाल दें। अब शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के साथ। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आप अपने बुक में एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, मल्टीपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे अंदाज से 12 पॉइंट्स ले लीजिए, ओके? स्ट्रेट लाइन के अलोंग, लेट्स से 1 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, ऐसे 12 पॉइंट्स ले लेना। अब 12 पॉइंट्स का फायदा क्या है? 12 पॉइंट्स का फायदा ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसके ऊपर इन्वर्टेड वी शेप, उल्टा वी, उल्टा वी शेप में एक ट्रायंगल जैसा निकालो और उसे ट्रायंगल के ऊपर किडनी शेप, बीन शेप, ऐसा कॉकरोच का हेड और उसके अंदर उसकी आईज दिखा दो। ओके, अब ये हो जाने के बाद ना एकदम सेंटर में, जैसे पानी की बूंदे नहीं होती है, टिप टिप बरसा पानी, ओके, उस तरह से ना आपको 12 बूंदे बनानी है। पहली बूंद बारिश की, ये बनी दूसरी बूंद। स्ट्रेट लाइन में रखना बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से अच्छा डायग्राम प्रेजेंट करके दूं। तीसरा, चौथा, पांचवा। आप स्ट्रेट पॉइंट ले लेंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। सिक्स, सेवेंथ, एट, बूंदे गिर रही है सही लाइन में, हाँ, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व, ओके, फाइन, दिस इज परफेक्टली डन। अब ये जो है ना, ये कॉकरोच के हार्ट के चेम्बर्स हैं। हर एक इसको अच्छे से फिल अप कर लेते हैं। आप भी निकालो अपना कलर्ड पेन, पेंसिल निकालो बेटा, मेरे साथ चालू करो, येलो कलर से फिल अप कर लो इसको। मेन पार्ट हो गया डायग्राम का, बाकी सब बहुत आसान है।
हो गया। अब इसके बाद ना अब क्या करना, मतलब हर बूंद के आजू बाजू में कुछ पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं। समझो इसके बाजू में मैंने जितना डिस्टेंस लूँ ना उतना ही डिस्टेंस इस तरफ, ये, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा अंदर की तरफ लेना, उससे कम डिस्टेंस लेना, फिर उसके बाद हर बूंद के पास जो पॉइंट्स लोगे थोड़ा बाहर की तरफ लेना। अब तुमको ना ऐसा मोटा दिखाना कॉकरोच, यूं पतला हुआ फिर मोटा हुआ, यानी कॉकरोच भी खाना खाता है ना, डाइट कॉन्शियस है, उसको अपने फिजिक की, अपने ग्लैमर की परवाह है ना हर जगह पाया जाता है, राइट? ओके, सो यहां से अब मोटा दिखाना है, तो क्या करेंगे ना, फिर अब मैं धीरे धीरे हर जो मैंने बूंद का जो बेस है ना वहां से दो दो पॉइंट्स बाहर की तरफ ले रहा हूं। समझो यहां ये वाला है ना सबसे मैक्सिमम ले लेता हूं, सबसे मोटा, फिर ये जो उससे थोड़ा पतला, फिर इसको वापस पतला कर रहा हूं मैं पॉइंट्स, हाँ। अब ये पॉइंट होने के बाद बस सिंपल है, आप कॉकरोच का बाउंड्री बनाओ बॉडी का, इसको ज्वाइन करो यूं, हाँ। अब बाहर से अंदर आए फिर अंदर की तरफ जाओ, ओके okay? अब दोनों तरफ इक्वल रखने की कोशिश करो, फिर उसके बाद अब कांटे जैसा ड्रॉ करो, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, हर पॉइंट पे कांटे की तरह उसे जोड़ते जाओ, जोड़ लिया। अब जहां जहां पे ये पॉइंट आ रहा था ना वैसे ही कांटे जैसे यहां पर भी जोड़ना इस तरफ, कोशिश ये करना कि दोनों तरफ से इक्वल लगना चाहिए। अब ये हो गया थोड़ा गड़बड़, इसको देते हैं मिटा, ये वाला पॉइंट रब कर लेते हैं। देखो कैसा है ना, थोड़ा भी गलती होए ना तो मजा नहीं आएगा कॉकरोच में, वो रंग नहीं आएगा। So, यहां से लेकर यूं अंदर आए, उसके बाद यहां से लेकर अंदर आए, यहां से लेकर अंदर आ रहे हैं, ओके okay? थोड़ा सा पॉइंट मेरा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है, बट ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके। अब ये हो जाने के बाद ना नीचे W बनाओ, ये W फॉर वंडरफुल चंगला कॉकरोच, ओके। अब यहां पे ना मेन पार्ट हो चुका है, कितना मस्त, कितना प्यारा लग रहा है। देन इसके बाद ना बेटा बाहर की तरफ कुछ लाइंस का फ्यूजन दिखाना है आपको, इसको बोलते हैं एलरी मसल्स, ओके। ये पहला हुआ, इसको यूं ही किया करो, एक लाइन, एक ऊपर की तरफ कर्व, नीचे की तरफ कर्व, फिर ऊपर वाला भर लो और ये नीचे वाला भर लो, ओके, राइट? ऐसे ही कंटिन्यू करो। अब पहले क्या कर लेते हैं ना, सब जगह लाइन फिक्स कर लेते हैं, ये हमारी लाइन होगी, ये नेक्स्ट लाइन, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये ये ये, फिर छोटा छोटा कर देंगे उसको, ओके, धीरे धीरे उसको छोटा करते जाना है। अब जहां से सबसे ज्यादा चौड़ा था वहां पे बड़ा रखेंगे, ये बीच वाला इसको मान के चलते हैं, ये और ये सबसे बड़े हैं, ओके। अब ये करने के बाद ऊपर तीन चार लाइन, नीचे की तरफ से तीन चार लाइन, बड़ी मजा आती बायो का डायग्राम बनाना है, ठीक है? ऐसे कंटिन्यू करते रहो बेटा,
थोड़ा पॉइंटेड में ही खत्म करो उसको, और ये आपको दोनों तरफ से ऑलमोस्ट इक्वल रखना है, उसका लेंथ अकॉर्डिंगली हम रखेंगे, डिसाइड करके रखते हैं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और एक, बारह ही करना, बारह से ज्यादा नहीं करना। ओके राइट, सो यहां पे मेजर पार्ट हो चुका है हमारा, ये है हेड ऑफ द कॉकरोच, देन आफ्टर द हेड उसका बॉडी, तुमने कलर्ड पेन या पेंसिल से लाइट लाइट इसको कलर कर दो। जैसा कि हम यूजुअली किया करते हैं, पहले पॉइंटेड पार्ट भर देते हैं, इस तरह के डायग्राम बनाने से आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, योर ब्रेन बिकम्स मोर शार्प। कलर करना, शेड करना, कंट्रोल्ड तरीके से शेड करना, ब्रेन के रिस्पॉन्सेस रिफ्लेक्सेस भी शार्प होते हैं। बच्चा गुच्छा पार्ट फिनिश कर ले, अवस्थी सर छोड़ते नहीं डायग्राम को, जब तक एक एक पार्ट अच्छे से कवर नहीं हो जाए ना, चैन नहीं पड़ेगा। अब एलरी मसल्स को ना थोड़ा बाउंड्री दे देते हैं,
चलो आप इतना पूरा कर लो बेटा, फिर मैं नेमिंग चालू करता हूँ। ये हो जाने के बाद फुल कॉकरोच लुक, अब नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं बेटा। ओके This will be the head of the cockroach. Then we are coming to eyes of the cockroach. उसके बाद ये जो है this is aorta. Then after aorta, let's come down. This is the chambers of the cockroach. Okay. Lower down, thorax के तीन टुकड़े, prothorax, mesothorax, metathorax. Then these are abdominal segments. कॉकरोच का पेट चालू हो गया यहां से, ओके, एंड देन बचा कुचा इज एलरी मसल्स। चलो लेट अस नेम दिस मच। These eyes are called as compound eyes of cockroach. Compound eyes. Compound eyes के बाद में this will be the doka. Doka of cockroach मंजे head of the cockroach. उसके बाद then next word we have is aorta of the cockroach. ओके, आफ्टर एओटा दीज आर दी चेम्बर्स ऑफ कॉकरोच हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। देन यहां से लेके यहां तक दीज आर से एब्डोमेन और वी कैन कॉल इट एज एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ द कॉकरोच। दीज आर कॉल्ड एज एलरी मसल्स। एलरी मसल्स के टोटल कितने होते हैं? 12 pairs. ओके, चेंबर्स ऑफ हार्ट नीचे भी मार्क कर लेते हैं, उसका एक और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है, इसको अलग स्टाइल में लिखते हैं। दीज आर हार्ट चेंबर्स
एंड कॉकरोच हैज हाउ मेनी चेम्बर्स? इट हैज 13 चेम्बर्ड हार्ट. सो यहां पे हमारा एक फैंटास्टिक सा डायग्राम रेडी हो जाता है. ओके, दैट इज दिस डायग्राम इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच. ओपन सर्क्यूलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है. सो यहां पे अपना एक डायग्राम फिनिश हो जाता है बच्चों. अब चलते हैं नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच की तरफ. नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच बनाने के लिए सबसे पहले ना आप ऐसा दिल बनाओ ऊपर की तरफ, तीन ट्यूब के लिए जगह रखो और नीचे की तरफ तीन ट्यूब के लिए जगह रखो. एक ट्यूब, दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब आएगा यहां से, एक दो तीन. फिर दिल बनाने के बाद ना बीच में ट्रायंगल बनाओ. अब ट्रायंगल जो है ना वो आपको गाइड करेगा, उस हिसाब से नीचे लाइंस ले चलो. एक, ये दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और दसवें टुकड़े पे ना नीचे की तरफ एक बड़ा सा ऐसा बीन शेप, किडनी शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है. अच्छा, अब हर एक इसमें स्टार्टिंग में दो दो लाइन का गैप रखो, इन सब में एक एक लाइन का गैप रखो. इतना हो गया ना, आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका है. फिर ऊपर की तरफ आपको तीन नर्व्स निकालनी है, एक दो तीन, यहां भी तीन निकालो, एक दो तीन. देखो दिल के बाल जैसे लग रहा है. ओके, फिर नीचे की तरफ भी करना है बेटा हमको, ये वन एंड टू एंड थ्री सेम, वन टू एंड देन थ्री, बचे कुचे पार्ट को कनेक्ट कर देते हैं. अब ये हो जाने के बाद आपने एकदम सेंटर में जो ट्यूब बनाया ना, वो ट्यूब के अंदर छोटा छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ करो. ये एक दो तीन, अब छोटा छोटा, पहले तीन बड़े होंगे, चार बेटा, ये पांच, छः, सात, ये आठ, ये नौ और ये वाला दस. ओके, अब ये करने के बाद, ओके, ये दस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप यहां पे जैसे कि ये, फिर इसको है ना स्टार शेप ड्रॉ करना है आपको. ओके, कि इसमें से ब्रांचेस निकल रहा है. एक ब्रांच यहां से, दो ऊपर की तरफ से, दो नीचे की तरफ से. चलो ठीक है, देख लेते हैं. अब स्टार्टिंग में एक काम करो, यूं ऊपर से और यूं नीचे से ड्रॉ करो. पहले मैं आपके लिए इजी कर देता हूं, नहीं तो स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. ऐसे रखो, ठीक है, हर जगह से यूं करते जाओ बेटा. काम कर लो, इसको क्लोज ही कर लो,
तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। मैं बताता हूँ बाद में क्या करना है। इस तरीके से निकाल निकाल के इसको क्लोज कर लो दोनों भी तरफ। ओके, अब यहां पे ना छोटा छोटा करना है ऐसा, सेम चीज। ओके, फिर ये करने के बाद ना इसको क्लोज करो ऊपर से और नीचे से। डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ओके, अब इसके बाद हर एक में से, ये तीन में से आप पांच पांच ब्रांचेस निकालो। एक स्ट्रेट लाइन करो, दो ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ। सो इस तरह की स्ट्रेट लाइन मैं पहले से ही फॉर्म कर लेता हूं ताकि अपने डायग्राम में कोई गड़बड़ ना हो। दो ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ। अब ये करने के बाद, अब जो नीचे के बचे हुए हैं ना, ये खाली तीन के लिए करना है। नीचे के बचे हुए में आपको यू लाइन निकालना है, वाई शेप। धीरे धीरे उसको छोटा करते जाना। ठीक है, इतना फॉलो कर लो बच्चों। अब सबसे मेन बात यह है कि ये जो होता है ना, ये बीच वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है उसको शेयर कर देता हूं मैं। दिस इज ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, इसको गैंग्लियन बोलते हैं। देखते जाओ ध्यान से। हम इसमें से ना बेटा, ये लास्ट वाला गैंग्लियन बड़ा बना ना, बिकॉज इट इज द सिक्स्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन विच इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल गैंग्लियन। ओके, अब ये हो जाने के बाद, आफ्टर दिस बेटा, ये कॉकरोच का नर्व कॉर्ड है आजू बाजू में, और ये बीच से हॉलो है ना, इसलिए बीच में जगह दिखाया हमने। ये बीच में कुछ नहीं है बेटा, तो ये नर्व कॉर्ड नीचे की तरफ आपको दिखाना है ऐसे। आप मस्त कलर पेन से इसको भरो बेटा, कमाल का डायग्राम बनाओ, दिल खुश हो जाए। वो डायग्राम फिर मुझे आप टेलीग्राम या तो इंस्टाग्राम पे सेंड करिए।
अच्छा, अब सबसे मेन बात है नेमिंग। नेमिंग के मामले में व्हाट वी विल रिमेंबर इज, वी विल टेक द नेमिंग डायरेक्टली। आई जस्ट होप माय लाइंस विल बी स्ट्रेट। अब इसमें बहुत सारा नेमिंग बेटर, ओके। अब नेमिंग के हिसाब से सबसे पहले ये जो है ना, दिस इज द ऑप्टिक नर्व, आईज से रिलेटेड है। फिर उसके बाद बेटा ये है, उसके एंटीना में जाएगी ये वाली नस। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीनरी नर्व। उसके बाद ये जो नर्व है ना बेटा, ओके, दिस इज लेब्रो फ्रॉन्टल नर्व। लेब्रो फ्रॉन्टल नर्व, ओके। सबसे मेन बात ये है कि यहां जो ऊपर वाला पार्ट है ना, म्यूजिक नाचने का ये जो ट्राइंगल के ऊपर है, इसको हम लोग बोलेंगे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। दिस इज कॉल्ड एज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ध्यान देना बेटा। फिर उसके बाद में, अब आफ्टर दिस, यहां जो आजू बाजू में एरिया है ना, ये इतना जो इसके पूरे आजू बाजू में होगा, इसको हम बोलेंगे सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव, जो ट्राइंगल के बाजू में है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव्स, ओके। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, दैट सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कॉकरोच। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कॉकरोच, ओके। अब सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव्स के बाद ये जो नीचे है, ट्राइंगल के नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे सब इसोफेजियल गैंग्लियन। सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ऑल राइट। नेक्स्ट, फिर यहां पे तीन नसें और बाहर की तरफ आ रही हैं, ओके। दिस इज मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व, ओके। ध्यान देते जाओ सब लोग, ये है मैंडिबुलर नर्व, ये फर्स्ट वाली। फिर उसके बाद सेकेंड, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, एरोस पैरेलल रखने का बेटा सब। दिस इज मैक्सिलरी नर्व, और उसके बाद थर्ड इज लेबियल नर्व। ओके, अब आफ्टर ऑल दिस तीन गैंग्लियन, दिस इज प्रोथोरैसिक गैंग्लियन, मीजोथोरैसिक गैंग्लियन, मेटाथोरैसिक गैंग्लियन, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, सेकेंड एब्डोमिनल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड देन
सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन, 1 2 3 4 5 6, ओके फाइन, नहीं इसको मत ड्रॉ करो, दिस शुड बी द सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन, इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि टोटल हमको 6 गैंग्लियन ही दिखाना है, हाँ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको है ना फ्यूज कर दो ये पूरे को, और ये जो गैप है ना इसको कंटिन्यूस कर लेते हैं, आप लोग भी इसको चेंज कर लो बच्चों, ओके हाँ। अब प्रोथोरैसिक, नीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक गैंग्लियन का नेमिंग कर लेते हैं, मैं छोटे छोटे राइटिंग में यहां भर लेता हूं, प्रोथोरैसिक गैंग्लियन, नीजोथोरैसिक गैंग्लियन, देन मेटाथोरैसिक गैंग्लियन, अब तीनों गैंग्लियन का नेमिंग कैच करवाना है, ओके एरो जाना चाहिए बराबर, ये गया प्रोथोरैसिक के पास, ये गया मीजोथोरैसिक के पास, ये गया मेटाथोरैसिक के पास, वाह क्या तीर चलाए हैं आसमान से, ओके उसके बाद ये है फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, और ये वाला बचा सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन, सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन, और ये सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है ये सबसे बड़ा है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल गैंग्लियन, ओके। अभी फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन तक पहुंचा है एरो को, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, और ये हुआ सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन। अब इसमें से जो जो नसें निकल रही है, ये है प्रोथोरैसिक नर्व्स, मीजोथोरैसिक नर्व्स, मेटाथोरैसिक नर्व्स, एब्डोमिनल नर्व्स, फिर इसके बाद इसका नर्व कॉर्ड, ओके चलो अब ये नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज प्रोथोरैसिक नर्व्स, मीजोथोरैसिक नर्व्स, फॉलोड बाय मेटाथोरैसिक नर्व्स, देन दीज आर एब्डोमिनल नर्व्स, एंड देन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दिस इज द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऑफ द कॉकरोच, ओके एंड दीज आर ऑल्सो एब्डोमिनल नर्व्स, ओके फाइन। सो यहां पे अपना ये डायग्राम भी रेडी हो जाता है, इसका मेन नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, आई होप आई विल फिट दिस वेल, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, नर्वस हो गया ना, नर्वस सिस्टम, ओके फाइन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, लिया ऑल राइट फाइन।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने सिर्फ कॉकरोच का दिल का और दिमाग का हाल समझा है. ओके, अब उसकी भावनाओं को, उसका थियरी वाला पार्ट, ये तो सिर्फ डायग्राम वाला पार्ट था. ओके, ड्रॉ इट कूल, ड्रॉ इट विद अ स्वैग, ड्रॉ इट इन यो-यो स्टाइल, इसको अच्छे से ड्रॉ करो. ओके, ये तो सिर्फ डायग्राम वाला पार्ट था. हम लोग मिलेंगे इसके थियरी वाले पार्ट में, जहां हम लोग हर एक पॉइंट कवर करेंगे. और बायो के लेवल को कभी भी मैं कम होने नहीं दूंगा. आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में. सारे बायो लवर्स, सारे बायो प्रेमी लोग मुझे मेरे चैनल पे चाहिए. ओके, बाकी बायोलॉजी क्या है, कैसा है, वो बताने की जिम्मेदारी मेरी. ओके, टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग, और फटाफट ये ड्रॉ करके मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या तो व्हाट्सएप पे, या तो फेसबुक पेज पे मुझे टैग करो. ओके, एंड डोंट फॉरगेट द मंत्र, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नमस्ते बच्चों.